हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, और प्लस हमारा जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, उसको हम बैलेंस करना सीखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है? अब अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन होता है हमारा जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको सिंबल या फिर फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करना, जिससे जो चीजें हैं वो हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब जैसे अगर एग्जांपल लें, मान लीजिए हमने यहां पे लिया कोई सब्सटेंस ए प्लस बी। ठीक, अब इसको हम इसका इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं और मिल रहा है हमें यहाँ पे सी प्लस डी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उसमें हमने जो जो सिंबल यहाँ पे लिया है वो हमने बेसिकली वर्ड का लिया है। यहाँ पे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब अगर हम अदर एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पे लिया है हाइड्रोजन H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसको उसका जो सिंबल है वहां यहाँ पे वो है H, और ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो है आपका O, और यहाँ पे वाटर का जो सिंबल है वो आपका है H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर या फिर H2O। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो केमिकल इक्वेशन है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक, अब देखिए, जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उनको बेसिकली हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, जो सारी चीजें हैं वो बैलेंस होंगी। मतलब कि जो आपके एटम जो है रिएक्टेंट साइड में हैं वो इक्वल होंगे आपके जितने एटम्स आपके प्रोडक्ट साइड में हैं। ठीक, ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसकी बात करें हम, तो ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल्स ऑन बोथ साइड। मतलब कि आपका रिएक्टेंट में भी नंबर ऑफ एटम सेम होंगे और प्लस प्रोडक्ट में भी। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सिंपल है आपका Zn प्लस H2SO4 गिव्स Zn SO4 प्लस H2। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जो Zn है यहाँ पे आपका एक एटम है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी आपका एक ही एटम है, और हाइड्रोजन का आपका दो एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी आपका दो एटम है, सल्फर का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी आपका एक ही एटम है, और ऑक्सीजन का आपका यहाँ पे फोर एटम है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में हमारा आपका फोर एटम है। ठीक, ये हुआ अब हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये हुआ आपका एग्जाम्पल। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है कि मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, ये जो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये इसी पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, मतलब कि आपका जो एलिमेंट जो है एलिमेंट का जो मास है रिएक्टेंट साइड में जितना होगा वो इक्वल होगा आपका एलिमेंट का मास जितना प्रोडक्ट साइड में है। मतलब कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मास हैं वो सेम होंगे, मतलब ना तो यहाँ पे नया मास फॉर्म होगा और ना ही आपका पुराना मास जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक, तो देखिए, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन।
To obey this law, the total mass of element present in reactant must be equal to the total mass of element present in product side. मतलब कि जो मास आपका reactant side में है वो equal होना चाहिए आपके product side के mass के equal. ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब अगर हम बात करें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो इसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट का जो एटम है, रिएक्टेंट साइड में जो एटम है वो इक्वल नहीं होगा आपका, जितना भी आपका एटम है प्रोडक्ट साइड में. मतलब कि यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे, मतलब नंबर ऑफ एटम जो हैं वो डिफरेंट होंगे आपके रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में. अब देखिए, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम of each element present in the product, the chemical equation is called unbalanced chemical equation. ठीक, ये हुआ आपका unbalanced chemical equation. अब आपका जो unbalanced chemical equation है उसका चलिए हम एक example देखते हैं, जिससे आपको चीजें और अच्छे से clear हो जाएंगी. हमारा जो example है वो है, हमने यहाँ पे Fe की reaction कराई है water से, H2O से. हमें क्या मिल रहा है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस. अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो हमारा आयरन है, रिएक्टेंट साइड में तो एक है एटम उसका, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट साइड में उसके 3 एटम्स हैं. उसी तरह अगर हम यहां पे ऑक्सीजन की बात करें तो प्रोडक्ट साइड में आपका 4 एटम है और रिएक्टेंट साइड में आपका एक ही एटम है. यहां पे आपका हाइड्रोजन जो है बैलेंस है, लेकिन आपका ये जो एग्जांपल है ये हुआ आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का आपका एग्जांपल. उम्मीद करते हैं चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. इस टॉपिक में हम सीखेंगे हमारे जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस करना, और इस टॉपिक को हम आपको डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. तो देखिए, अब हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो आयरन की हमने रिएक्शन कराई है वाटर से. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो अनबैलेंस है. अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हम लिख लेते हैं RHS राइट हैंड साइड. अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपका आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे Fe, हाइड्रोजन, H एंड ऑक्सीजन. ठीक, ऑक्सीजन. ठीक, और अब यहाँ पे सेम हम यही वर्क यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे भी आपका आयरन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है. अब जितना भी जो एटम है उसका जितना भी आपका नंबर है उसको हम यहाँ लिखेंगे. जैसे यहाँ पे आपका एक ही एटम है आयरन का, तो यहाँ एक लिखेंगे. यहाँ हाइड्रोजन के आपके दो एटम है, दो लिखेंगे, और ऑक्सीजन का आपका सिर्फ एक एटम है तो एक लिखेंगे. अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस साइड राइट हैंड साइड आपका जो आयरन है उसके 3 एटम है. ठीक, और हाइड्रोजन के आपके यहाँ पे 2 एटम है, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके कितने एटम है? 4 एटम है. ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. यहाँ पे इधर हम देख रहे हैं कि हमारा आयरन है वो 3 एटम है, तो इस साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 3 आयरन का एटम. ठीक, और यहाँ पे आपका है ये जो ऑक्सीजन है वो 4 है. ठीक, और इस साइड हमें कितना मिल रहा है? 1 है. तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका 4 जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये जो हुआ ये आपका पूरे में मल्टीप्लाई होगा 4, तो यहाँ पे क्या हुआ 4 2 8, यहाँ पे हो गया आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हुआ आपका 8 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन आपका कितना हुआ? 4. ठीक,
अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारा अनबैलेंस क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितना कम है, 6, तो यहाँ पे हम करेंगे किससे, 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 2 8। ठीक, अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन हो गया वो आपका बैलेंस हो गया, 3 Fe + 4 H2O गिव्स Fe3O4 और +4H2। देखिए यहाँ पे तीन आपका रिएक्टेंट साइड में 3 आयरन आइटम है, इधर भी आपका 3 आयरन आइटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 8 है, इधर भी आप हाइड्रोजन आपका 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4 है, और इस साइड भी प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन आपका 4 है। आई होप ये जो ट्रिक है आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पर, जिससे चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा C3H8+ ऑक्सीजन के रिएक्शन कराइए, जो कि हमें दे रहा है CO2+ वाटर। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, LHS RHS, यहाँ पे आपका कार्बन है, कार्बन लिख लेंगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लेंगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लेंगे। अब रिएक्टेंट साइड में आपका 3 जो है कार्बन का आइटम है, 3, हाइड्रोजन का आपका 8 आइटम है, 8 यहाँ लिख लेंगे, और ऑक्सीजन का आपका 2 आइटम है। ठीक, सेम प्रोसेस हम इधर करेंगे, सेम आपका कार्बन यहाँ पे है 1 आइटम तो 1 लिखेंगे, हाइड्रोजन आपका है 2 आइटम तो 2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन आपका कितना है, 3 आइटम, 2 यहाँ का 1 यहाँ का। ठीक, अब इसको चलिए हम बैलेंस करते हैं। तो इधर आपका क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में आपका 3 जो है कार्बन के आइटम है, अब इस साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे, यहाँ से। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 कार्बन, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 है वो ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 2 6, आपका यहाँ पे हो गया 6 ऑक्सीजन आइटम। ठीक, अब देखिए अब आइए हाइड्रोजन की बारी, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में आपका है 8 हाइड्रोजन और इस साइड है आपका सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका 4 2 8, ये हो गया आपका 8 हाइड्रोजन एटम, लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 + 4, इधर कितना हो गया आपका 10 ऑक्सीजन एटम, लेकिन अगर इधर बात करें तो सिर्फ आपका 2 ही ऑक्सीजन एटम है, तो यहां हम करेंगे आपका 5 से मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा 5 2 10। ठीक, 5 2 10, देखिए अब ये जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया, C3H8+5O2 गिव्स 3CO2+4H2O, कैसे, 3 यहां पे आपका कार्बन का एटम है, 3 आपका यहाँ पे कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 8 है इस साइड रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड भी आपका 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आपका 10 है 3 रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में 3 2 6+4, ये आपका प्रोडक्ट साइड में भी आपका 10 ऑक्सीजन है। आई होप आपको रिएक्शन जो है बैलेंस करना समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।